इंक्वायरी में इस घटना का कोई भी धार्मिक एंगल होना नहीं पाया गया। ये घटना निजी कारणों से तावीज को लेकर के नाराजगी आक्रोश जैसा इनके द्वारा बताया गया उसके चलते इन्होंने करी। हमने इसको गंभीरता से लिया और इसमें मारपीट में जो व्यक्ति सम्मिलित पाए गए उनमें से 3 व्यक्तियों की हम ऑलरेडी गिरफ्तारी करके जेल भेज चुके हैं। शेष व्यक्तियों के लिए हमारी टीमें लगातार प्रयासरत हैं। लेकिन इसमें जो कंटेंट सोशल मीडिया वगैरह पे पब्लिश किया गया वो गैर जिम्मेदारी वाला है और उसका जो है अभी तक किसी भी तरीके से वेरिफिकेशन नहीं हुआ। तावीज़ को लेकर के ये घटना की गई और इसीलिए जो है जिन लोगों ने जानबूझ करके सोशल मीडिया पर एक अलग एंगल देने के लिए इसको पब्लिश किया तो हमने उसके खिलाफ एक FIR कल यहाँ गाजियाबाद में लिखी है जिसमें 7 लोग के खिलाफ FIR लिखी गई है प्लस ट्विटर इंडिया के खिलाफ लिखी गई है। हमारी टीम लगातार मॉनिटर कर रही है कम्युनल हार्मनी और पीस को डिस्टर्ब करने की जो भी कोशिश की जाएगी उसके खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। जो आरोपी हैं वो किसी एक कम्युनिटी के नहीं है, उसमें एक से ज्यादा कम्युनिटी के लोग हैं और सभी के द्वारा मारपीट की गई है। ये भी बातचीत में निकल के आया, जो आरोपी पकड़े गए उन्होंने वर्जन बताया, मुख्य आरोपी ने फोन करके उनको बुलाया बाकायदा, वो चल करके आए हैं और मारपीट की गई है। तो ये सब बातें जो है जो फैक्ट्स पब्लिश किए जा रहे हैं उनसे काफी हट करके हैं। हमारी जांच में जो भी व्यक्ति मारपीट में दोषी पाया जाएगा या सोशल मीडिया पर गलत कंटेंट पब्लिश करने के लिए दोषी पाया जाएगा हम सब पे कार्रवाई निमसा करेंगे।